अस्सलामु अलैकुम क्लास, टुडे वी हैव टू डिस्कस अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.5। अब देखिए क्लास, इसमें क्या पूछा गया। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर। देखिए क्लास, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास जो पेंडुलम है उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 1 मीटर। अब देखिए क्लास, सिंपल पेंडुलम है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशंस हैं, उनको कवर करने के लिए कितना टाइम गिवन है, 40.2 सेकेंड गिवन है। अब देखिए क्लास, टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टाइम गिवन है उसे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास टाइम क्या आएगा, टाइम पीरियड 2.01 सेकेंड। तो देखिए क्लास, हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्लास, सॉल्यूशन में हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। तो देखिए क्लास, हमने फाइंड आउट करनी है जी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जी फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो देखिए क्लास, मेरे पास यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। यहाँ से जी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। तो देखिए क्लास, वैल्यूज पुट करते हैं, 4 × π की वैल्यू क्या है, 3.14 π का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्क्वायर। और हमारी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, तो 1 मीटर पुट करेंगे, ओवर टाइम हमारे पास कितना है, 2.01 सेकेंड। तो देखिए क्लास, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। हमारे पास यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जी की वैल्यू आएगी, जी इज इक्वल टू 9.7 m/s² ये वैल्यू है जी की, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्लास, हमारे पास क्या है, 1.6। हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स गिवन है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2/r². एफ इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, m1 इज द मास एंड m2 इज द आल्सो मास, एंड जी इज द आर इज़ द रेडियस। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, देखिए क्लास, यूनिट ऑफ जी फाइंड आउट करना है, और हमने सेकेंड फाइंड आउट करनी है डायमेंशन ऑफ दी जी। तो देखिए क्लास, यहाँ से हम जी की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमारे पास क्या आएगा, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर ओवर m1 × m2। अब देखिए क्लास, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट ऑफ जी। तो देखिए क्लास, यूनिट ऑफ जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इस रिलेशन में फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन, और रेडियस जो है हम मेजर करते हैं मीटर में। तो रेडियस का स्क्वेयर है, यहाँ पे मीटर का भी क्या होगा, स्क्वेयर होगा। मास को हम kg में मेजर करते हैं, तो दोनों का यूनिट क्या होगा, kg × kg। तो यहाँ से यूनिट हमारे पास क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वेयर ओवर किलोग्राम स्क्वेयर, किलोग्राम पर स्क्वेयर। तो देखिए क्लास, यहाँ से अगर हम डायमेंशन देखें जी की, तो देखिए क्लास, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर ओवर m1 × m2। हमें पता है फोर्स की जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्या है, ml/t², और जो रेडियस है उसको हम लेंथ में मेजर करते हैं मीटर से, उसकी जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, l, और इसके r का स्क्वेयर है, तो यहाँ भी l का क्या होगा, स्क्वेयर होगा। नीचे देखिए क्लास, हमारे पास मैस है, तो यहाँ पे मैस की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, m × m, मीन टू से m स्क्वेयर, तो यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ g आएगी वो क्या होगी, m − 1 l³ t − 2। ये हमारे पास यूनिट ऑफ g, एंड ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ g। अब देखिए क्लास, हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.7। इसमें हमारे पास क्या गिवन है क्लास, एक रिलेशन गिवन है, vf इज इक्वल टू vi + at। हमने क्या कहा है कि हमारे पास जो ये सोल्यूशन है, ये क्या हमने करना है, प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो देखिए क्लास, जो हमारे पास vi गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या है, vi इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कि ये वो वेलोसिटी है जब हमारा टाइम क्या है, 0 है, किसी भी बॉडी की वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम क्या है, 0 है। vf इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, कि जो फाइनल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की एट टाइम t पर है। तो देखिए क्लास, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं मीन टू से vf, और हमें पता है जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या है, lt − 1, इसी को ये नंबर 1 का नाम दे लें। अब देखिए क्लास, हम लेते हैं राइट हैंड साइड ये वाली, तो देखिए क्लास, vi + at, हमें पता है जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वो क्या है, lt − 1, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, lt − 2, और टाइम की डायमेंशन क्या है, t। तो इसको देखिए क्लास, lt − 1 एज इट इज़ प्लस, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, lt, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, −2 + 1, ये क्या आएगा हमारे पास, lt − 1। तो देखिए क्लास, दोनों को हम क्या करें, ऐड अप करें, तो हमारे पास क्या आता है, lt − 1। तो देखिए क्लास, 2 तो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, और हमें पता है कि कॉन्स्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। तो देखिए क्लास,
इस इक्वेशन को और इक्वेशन को. तो देखिए LT-1 और LT-1 मीन टू से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू बोथ साइड्स हैव सेम डायमेंशन सो इट इज़ डायमेंशनली करेक्टेड. क्योंकि दोनों की साइड्स क्या हैं, सेम हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशनली क्या हैं, करेक्ट हैं. तो देखिए क्लास नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, 1.8. अब देखिए क्लास इसमें क्या कहा गया है कि हमारी जो वेव है किसी मीडियम में जब मूव करती है किसी भी स्पीड वी से, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और ई के ऊपर, मीन टू से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है. तो हम यहाँ से कह सकते हैं स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और हमें पता है कि क्लास स्पीड की डायमेंशन है क्या है, LT-1. डेंसिटी हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी डायमेंशन क्या है, ML-3. और जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की इक्वल है, इसकी जो डायमेंशन है ML-1 T-2. अब हमने क्या प्रूफ करना है क्लास, हमने प्रूफ करना है कि डायमेंशनली हमने स्पीड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है यहाँ से. तो देखिए क्लास डायमेंशंस को यूज़ करते हुए हम सॉल्यूशन देखते हैं अपना. तो देखिए क्लास जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं. तो देखिए क्लास जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो ए इंटू ई की पावर बी. इसी को नंबर वन का नाम दे लेते हैं. हमें पता है कि जो वी की डायमेंशन क्या है, LT-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इसलिए यह एज इट इज रहेगा कॉन्स्टेंट. और हमें पता है जो रो है डेंसिटी है उसकी डायमेंशन क्या है, ML-3, और इसकी पावर a है, तो यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, पावर a. और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हमारे पास जो डायमेंशन है वो है ML-1 T-2, जिसकी पावर क्या है, b है. तो देखिए क्लास यहाँ पे अगर पावर्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, m की पावर a, l की पावर -3a इंटू m की पावर b, l की पावर -b, t की पावर -2b. तो देखिए क्लास हम यहाँ बेस को कंपेयर करके पावर्स को ऐड अप करेंगे. तो देखिए क्लास यहाँ से m की पावर a और m की पावर b है, तो देखिए क्लास बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मीन टू से m की पावर a प्लस b. तो देखिए क्लास नेक्स्ट हमारे पास लेंथ है, यहाँ पे l की पावर -3a और यहाँ पर l की पावर -b, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, l की पावर -3a -b. तो यहाँ से देखिए क्लास t की पावर फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 0 है और यहाँ पे क्या है, -2b, तो t की पावर कितनी आएगी, -2b. अब देखिए क्लास दोनों साइड पे अगर हम अपनी पावर्स को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग पावर्स, तो देखिए क्लास सबसे पहले हम t को कंपेयर करें, यहाँ पे t की पावर 1 है और यहाँ पे t की पावर -2b. तो देखिए क्लास बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, मीन टू से -2b इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से क्लास b की वैल्यू आएगी माइनस से कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आएगी 1/2. नेक्स्ट देखिए क्लास अगर हम मास की पावर को कंपेयर करें तो देखिए क्लास यहाँ पे हम LT-1 था, मीन टू से यहाँ पे लिख सकते हैं m नॉट, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. तो क्लासेस ऐसे लिख सकते हैं m नॉट इज इक्वल टू m की पावर a प्लस बी. तो देखिए क्लास बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0. तो देखिए क्लास यहाँ पे हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होगी, a इज इक्वल टू -b. वो यहाँ पे देखिए क्लास a इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट करें तो वो कितनी आएगी, -1/2. तो देखिए क्लास अगर a और b की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो की पावर, क्योंकि यहाँ पे a है, a की वैल्यू पुट करें -1/2, मीन टू से रो की पावर -1/2, और e की पावर b है तो b की वैल्यू पुट करें तो e की पावर 1/2. इसे हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट इंटू ई की पावर 1/2 ओवर रो की पावर 1/2. जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट है, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ई ओवर रो. और यही हमारे पास क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है जब भी वो किसी मीडियम से पास करती है, वो डिपेंड करती है डेंसिटी पर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. दैट्स इट, थैंक यू.